दूल्हा बाराती लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। दुल्हन के घर वालों ने बाराती का स्वागत किया। जश्न का माहौल था, सभी डीजे के गानों पर नाच रहे थे। द्वार पूजा के बाद बारी आई जयमाला की रस्म की, सभी खुशी में नाच गा रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही पलों में ये जश्न का माहौल हादसे में बदल जाएगा। मामला औरंगाबाद का है। दरअसल बीती रात एक शादी समारोह में जयमाला कार्यक्रम के दौरान एक घर का छज्जा गिरने से दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। छज्जा गिरने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने सभी घायलों को इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया, जहां सबका इलाज चल रहा है। वहीं कुछ घायलों को स्थिति गंभीर होने के कारण बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक हारीबारी गांव में फेसर थाना क्षेत्र के देवरिया से बारात आई थी। दरवाजा लगने के बाद जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था। जयमाला की रस्म को देखने के लिए काफी संख्या में महिलाएं और युवतियां दुल्हन के घर छत के छज्जे पर खड़ी थीं। इसी दौरान छज्जा अचानक से भरभरा कर गिर पड़ा और कई लोग इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। छत के भरभरा कर गिरने की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जयमाला समारोह के दौरान डीजे बज रहा है। जयमाला को देखने के लिए महिलाएं बेताब थी। दुल्हन को दूल्हे के गले में वरमाला डालने की रस्म को देखने के लिए महिलाएं घर की छत की छोटी सी रेलिंग यानी कि छज्जे पर खड़ी थीं। इधर दूल्हे राजा जयमाला स्टेज पर खड़े थे और दुल्हन को स्टेज पर लाया जा रहा था कि तभी भीड़ ज्यादा होने के कारण छज्जा अत्यधिक भार सह नहीं सका और अचानक से भरभरा कर गिर पड़ा। सुखद संयोग ये रहा कि हादसे में दूल्हा दुल्हन बाल बाल बच गए और उन्हें किसी तरह की खरोंच तक नहीं आई। हादसे के बाद माहौल अफरा तफरी का हो गया। वरमाला की रस्म अदाई रुक गई। आनन फानन में करीब दो दर्जन घायल हुए लोग इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल लाए गए। कुछ को गया रेफर कर दिया गया। हादसे में किसी की मौत नहीं होने पर सबने राहत की सांस ली। बाद में हालात जब सामान्य हुए तो वरमाला की रस्म पूरी की गई। फिर शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के साथ सुबह विदा हो गई। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IVTV। IVTV देखता है इंडिया।